अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मम्मी, ये कार्ड आपने बनाया? वाओ, ऐसे कार्ड्स तो मैं बचपन में बनाता था। अभी भी तो आप बच्चे ही हो। अच्छा रूही, देख रही हो? बट थैंक यू, इट्स वेरी नाइस। मेरा दिवाली गिफ्ट? ओ हाँ, आपका दिवाली गिफ्ट एक सेकेंड, मेरे पास था आपका दिवाली गिफ्ट। आप ये मुट्ठी खोलो और गिफ्ट ले लो। कम ऑन। अरे नहार बेटा, वो नहार बेटा, दिवाली की पूजा का सामान है, मार्केट से जाकर ले आओगे। वो क्या है ना, समर की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम जाकर मार्केट से ले आओ। मम्मी जी, मैं नहार जी, मम्मी जी आपसे कुछ कह रही है। छोटी माँ, वो एक्चुअली मुन्नी के साथ खेलने में बिजी हो गया था तो ध्यान नहीं गया, बोले ना। कोई बात नहीं बेटा, बेटा वो सामान लाना था दिवाली का, ये लिस्ट है तो तुम मार्केट से जाकर ले आओ। मुन्नी तुम ही नाश्ता कर लो, आज ये लड़की भी ना मुझे नहार से दूर करती रहती है। जी, धनी पिंकू जी आएंगे भी या नहीं? लाडिसा के बिना तो घर कितना सोना सोना लग रहा है, उसके बिना ये दिवाली तो बहुत ही सुनी लगेगी। इतना वक्त हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। लाडिसा, लगता पिंकू जी आके दादी जी, मैं देख कर आती हूँ। जी आप कौन? जी मैडम, वो आप, ये पार्सल आपके लिए आया था। पार्सल? ये तो पिंकू जी ने भेजा। पिंकू को टू समवन वेरी स्पेशल, मतलब ये गिफ्ट उसके लिए जिसे पिंकू जी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। एक मिनट। अरे वाह, ये तो कितने प्यारे झुमके, ये पक्का पिंकू जी ने मेरे लिए भेजा है। पिंकू जी सबसे ज्यादा प्यार ना मुझसे ही करते हैं। एक मिनट, ये झुमके तो मेरे लाडिसा ने मेरे लिए भिजवाए हैं। उसे बहुत प्यार करता है मेरा लाडिसा, सबसे ज्यादा। नहीं दादी जी, पिंकू जी ना सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते हैं, तो ये झुमके ना ये मेरे लिए है, ये आपके लिए नहीं है। एक मिनट, मैं दादी हूँ उसकी, उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है मैंने, अपनी हड्डियां जलाई हैं। सबसे ज्यादा प्यार करता है मेरा लाडिसा मुझसे। अरे ये मेरा गिफ्ट है, पिंकू जी ने ना मुझसे 7 जन्म निभाने का वादा किया। अरे आपको इसी जन्म तक है, इसीलिए ना मैं पिंकू जी के लिए ज्यादा खास हूँ, ये गिफ्ट मेरा है। 7 जन्म का तुझसे वादा किया, और पता नहीं किससे किससे किया होगा, कितने जन्मों में। मैं तो दादी हूँ, भले एक जन्म का रिश्ता है, लेकिन ये रिश्ता बहुत पक्का। मेरे जैसा प्यार, मेरे जैसे संस्कार जो मैंने अपने बच्चे को दिए, कोई दे नहीं सकता। आई बड़ी लेगी मुझे। अरे ले ले चल। यानी उस चिट में लिखा इनका प्यार नकली था, सोचा था ये दोनों सुधर गई होंगी, दिवाली इनके साथ मनाऊंगा, लेकिन ये दोनों वैसी की वैसी ही है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेटा पहले आरती और प्रसाद ले लो।
उसके बाद मैं तुम्हें अच्छे से नाश्ता करवा देती हूँ, ठीक है? चलो। क्या हुआ मुन्नी? नहीं जी, मुझे आरती और प्रसाद। बेटा ऐसे नहीं बोलते, आरती और प्रसाद खाटू जी का आशीर्वाद होता है। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए आरती लेकर आती हूँ। ये लो बेटा, दिवाली की पहली आरती ले लो। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें आरती नहीं लेनी है तो कोई बात नहीं, तुम ये प्रसाद ले लो। मुन्नी से कैसे बात कर रही हो? बच्ची है वो, नादान है। ना जी, मैं तो बस मुन्नी को प्रसाद दे रही थी, पर मुन्नी ने मेरे हाथ को इतना जोर से झटका कि मेरे हाथ से प्रसाद का थाल छूटकर गिर गया। हाँ तो क्या हुआ रोहित? बच्ची है, गलती से हो गया होगा, इस बात को एक इशू बनाने की क्या जरूरत है तुम्हें? नारजी, मुन्नी से ये सब गलती से नहीं हुई, उसने जानबूझकर मेरे हाथ को झटका और मैं तो बस उसे समझा रही थी कि ये गलत है। रोही, तुम्हारी आवाज समझाने वाली नहीं थी, डांटने वाली थी। नहार बेटा, तुम रूही पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? गलती तो मुन्नी की है ना, बल्कि मैं देख रही हूँ जब से मुन्नी इस घर में आई है तुम मुन्नी से कुछ ज्यादा ही घुल मिल गए हो। सुबह तुमने मुन्नी की वजह से मेरी बात भी ठीक से नहीं सुनी और अभी अभी तुम बेवजह रूही पर गुस्सा हो रहे हो। एक बार तुम मुन्नी से तो पूछो, उसने इस तरह से प्रसाद नीचे क्यों फेंका? आरती से मेरा हाथ चल गया, इसलिए हाथ झटका मैंने। मुन्नी बेटा, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आपने तो आरती को छुआ भी नहीं है, फिर आपका हाथ कैसे जल गया? लेकिन उसकी उंगली लाल है ना रोहित। आगे से प्लीज, मुन्नी को किसी भी चीज के लिए कोई फोर्स या जबरदस्ती नहीं करे। मुन्नी बेटा, हाथ दिखा। चलो मैं तुम्हारे हाथ में क्रीम लगा देता हूँ। आप फालतू में इस लड़की को घर लेकर आ गई, आप देख रही हैं नाहर को कितना लगाव हो गया है मुन्नी से। अरे मुझे क्या पता था कि ये ऐसा सब कुछ होगा। खैर छोड़ो, त्योहारों के दिन चल रहे हैं, दिवाली के इतने सारे काम बाकी है, उस पे ध्यान दो ना। रूही, आरती की थाली दूसरी बना दो, अच्छे से सजा के रख दो। जी। मुन्नी ने झूठ क्यों कहा कि उसका हाथ जल गया, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में मेरी वजह से मुन्नी का हाथ जल गया हो? देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी, अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।